हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं सर डॉक्टर राजेश शर्मा। आज बेटा मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ बीटी कॉटन के ऊपर में। बीटी कॉटन बेसिकली क्या है, ये जो ये एक हमारा बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। कॉटन की वैरायटी है जो कि जेनेटिकली क्या है, मॉडिफाइड है। बीटी का मतलब ये आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है। इसमें क्या है, जो बीटी कॉटन में हमने जो डीएनए प्लांट के डीएनए में कोई ऐसा जीन डाला है जिसकी वजह से वो कॉटन पे आपके पास जो बेसिकली जैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड की जो कॉस्ट थी फार्मर की वो क्या हो सकती, कम हो सकती है, ठीक है। और हमारा क्या है कि इकोनॉमिकली हम फार्मिंग को क्या कर सकते हैं, बेनिफिशियल लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा क्या है, चेंज है। सो बेसिकली दिस प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट बॉलवॉर्म। बीटी कॉटन इज वर्ल्ड वाइड एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड बाय द मॉनसेंटो। सो बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्टिसाइडल टू लार्वा ऑफ मोथ एंड बटरफ्लाई बीटल्स एंड कॉटन, ठीक है। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये बेटा ये इंसेक्टिसाइडल है मोथ के लिए, ठीक है, लार्वा ऑफ मोथ एंड द बटरफ्लाइज बॉलवॉर्म्स एंड फ्लाइज, बट हार्मलेस टू। ऐसा है कि बीटी कॉटन अपने के ऊपर हार्म नहीं है, कॉटन प्लांट के लिए कोई हार्म नहीं है। बीटी कॉटन एक ये कॉटन की है जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस टॉक्सिन पे आते हैं जो आपके पास ये बॉल बॉम्ब से ये किल हो जाते हैं, ठीक है। बट वो अपने लिए क्या है, बेनिफिट अपने लिए कोई हानिकारक नहीं है। सो द बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थुरिजेनेसिस, डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट 1901। बैक्टीरियम प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन आईसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बेटा बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैसिलस है, इसका हमने जीन लिया है, वो जीन को मैंने कॉटन, वो जीन को हमने क्या किया, कॉटन के प्लांट में साइंटिस्ट ने क्या किया, कॉटन के प्लांट में क्या करवाया, रिकम्बाइन करवाया, और वो क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए। फिर वो जो कॉटन का प्लांट था जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए तो वो ग्रो होके वो उसने क्या किया, उसके प्लांट में ये बैक्टीरिया का जो जीन है, जहाँ से ये बैक्टीरिया है उसका जो जीन एक्सप्रेस हुआ, उसने क्या प्रोड्यूस किया, उसने प्रोड्यूस किया इंसेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन, आईसीपी बोलते हैं इसको। अब ये प्रोटीन को हम बोलते हैं क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्राई प्रोटीन। जो जीन इसको कोड करके इसको बोलते हैं क्राई जीन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है क्राई प्रोटीन का। क्राई प्रोटीन का एक टॉक्सिन है जो कि एक आपका बीटी कॉटन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। This belongs to the endotoxin class. ये endotoxin class है। अब बेटा ये देखते हैं कि जो cry protein का structure क्या है। देखिए थोड़ा सा advanced level में जाएंगे, थोड़ा neat level question आपके जल्दी solve होंगे। तो cry protein में तीन domains आते हैं। Protein है, तो ये आपके पास chain होंगी। Domain one, domain two, domain three. Domain one में आपके पास 7 alpha helices होते हैं, ठीक है। डोमेन टू में आपके पास क्या होते हैं, 3 एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं। आपको आपने प्लस वन में किया था बेटा, प्रोटीन आपके पास अल्फा हेलिक्स में भी आ सकता है, बीटा पेटर शीट में भी आ सकता है। तो डोमेन वन में आपके पास 7 अल्फा हेलिक्स हैं, डोमेन टू में आपके पास 3 एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं, डोमेन थ्री में आपके पास बीटा सैंडविच ऑफ एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आपके पास है। अब डोमेन वन जो है, ये डोमेन वन, डोमेन टू, डोमेन थ्री, ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड के ही पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो डोमेन वन, इसका फंक्शन क्या है, ये मेम्ब्रेन इंसर्शन करता है। होता क्या है, ये जो एंडोटॉक्सिन है ना, जब बीटी टॉक्सिन, जब बीटी कॉटन प्लांट प्रोड्यूस करता है ना, तो जो इसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड जो आते हैं इसको खाने के लिए आते हैं, वो एंडोटॉक्सिन की बॉडी में जाता है। जैसे क्राई प्रोटीन उनकी बॉडी में जाता है, ये क्रिस्टल्स होते हैं प्रोटीन उनकी बॉडी में चले जाते हैं, वहाँ जाके उनकी गट में जाके क्या होते हैं, इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बाहर इनएक्टिवेट रहते हैं, उनकी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो मेम्ब्रेन को, जो उसकी जो मेम्ब्रेन है ना ब्लड की, उसको वो ब्रेक करना शुरू करता है। तो ये जो है डोमेन वन, ये मेम्ब्रेन की इंसर्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। मेम्ब्रेन को जाके ये जाके बाइंड करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर देगा। और उसके मेम्ब्रेन पे क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। गट की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर लगे हैं, तो रिसेप्टर पे पहले कौन जाएगा, डोमेन टू जाएगा, वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा रिसेप्टर को, और डोमेन वन जाके उसको क्या करेगा, उस रिसेप्टर में जाके इंसर्ट होकर उसकी उसकी जो वॉल को ब्रेक कर देगा, वॉल ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा उसकी, डेथ हो जाएगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये स्ट्रक्चर है बेटा, जैसे मैंने बताया आपको, डोमेन वन, डोमेन टू और डोमेन थ्री, ये दोनों, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बीटी कॉटन के एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने में। अच्छा,
मैकेनिज्म क्या बेटा? सबसे पहले क्या आता है? इंजेक्शन, उसके बाद क्या आता है? सोलुबलाइजेशन, फिर क्या आता है? प्रोटोलिटिक एक्टिवेशन, लास्ट में क्या आता है? बाइंडिंग टू द टारगेट साइट्स। सबसे पहले जैसे आपने डायग्राम देखा बेटा, ये जैसे आप देखिए, ये आपका बीटी कॉटन का प्लांट है, ठीक है। अब इसके जो लीव्स पे क्या होगा, लीव्स पे आपके पास, अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें तो आपको पता लगेगा, इसके जो लीव्स पे ये जो आपके पास बॉल बॉम्ब्स आ रहे हैं, इसके लीव पे क्या प्रोड्यूस हुए बेटा? आपके पास टॉक्सिन के क्रिस्टल प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि बाहर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, और जब बाद में इसके गट के अंदर जाता है तो वहां जाके वो एंजाइम क्या हो जाती है, उसके एनवायरमेंट के में एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है। जब एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है, वो देखिए, ये देखिए रिसेप्टर्स, देख रहे हैं आप, ये देखिए एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू रिसेप्टर, ये देखिए, ये जो रिसेप्टर के साथ क्या करेगी, एक्टिवेटेड क्या करेगी, बाइंड करेगी। अब बाइंडिंग में आपको पता है ये डोमेन हेल्प करेंगे, उसके बाद फिर वो जो ये जो जब बाइंड कर जाएगी तो इसकी वॉल को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। देखिए इंसर्ट इन टू द मेम्ब्रेन, आपको पता है डोमेन वन इंसर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये वॉल को ब्रेक कर देगी, तो जो भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे सारे ऑर्गेनिज्म के सारे बाहर निकल जाएंगे, और फिर ये जो मिड ब्रेन है डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब बेटा बात ये आती है कि जो बैक्टीरिया हमारे पास जो है, जो जीन प्रोड्यूस कर, जो इसका क्राई जीन है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो मुझे हमें क्राई जीन को प्लांट के डीएनए में क्या करना पड़ेगा, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब ट्रांसफर यहाँ पे कौन करेगा? लास्ट हमने जो वीडियोस फर्स्ट चैप्टर में करवाई हैं आपको, अगर नहीं है उसमें आपको मैंने टी प्लाज्मिड करवाया था, उसमें तो उसमें आपको मैंने एग्रोबैक्टीरियम भी करवाया था। तो एग्रोबैक्टीरियम वो इसमें आपको जीन को ट्रांसफर करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ये पार्टिकल गन मेथड से। बेटा ये सारा कुछ आपको पहले करवाया हुआ है, ये देखिए टी वन प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम कंटेन साइकिल पर टी वन प्लाज्मिड दैट कहते हैं डिजायर्ड जीन, ठीक है। उसके उसके पास क्या होती है, आपके पास डिजायर्ड जीन होती है। को कल्टिवेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम विद द प्लांट स्पीसीज ट्रांसफर द डीएनए, जब आप एग्रोबैक्टीरियम के इसको प्लांट स्पीसीज के साथ क्या करेंगे, तो ये जैसे पैट्री डिश है, इसमें आप एग्रोबैक्टीरियम और प्लांट को क्या कर रहे हैं, लीव के पीसेस को क्या कर रहे हैं, को एक साथ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो इसका जो जीन है वो उसके प्लांट के डीएनए में जाके क्या हो जाएगा बेटा, रिकम्बाइन हो जाएगा। और जाके ये प्लांट के डीएनए में जाके उसमें जाके क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। ये क्या बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहां पे क्या बन जाएगा, ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ऐसा है कि अगर आपको ये और हमारे पास मेथड्स क्या हैं, जैसे देखिए ये आपके पास ये जो डीएनए है, ठीक है, आपने गन लास्ट चैप्टर में आपको वीडियो भी करवाया था, मैंने गन मेथड करवाया था, तो डीएनए कोटेड विद द पैट्रिक्स, इसको डायरेक्टली हम इसके ऊपर भी क्या करवा, प्लांट सेल के ऊपर भी क्या करवा सकते हैं, इसको गन मेथड से भी क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। अब बेटा व्हाई वी नीड बीटी कॉटन, अब आपको पता ही है इंसेक्ट जो है पेस्ट है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। बॉल वर्म ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन इन द रिडक्शन, तो हमारे जो एंटायर जो एग्रीकल्चर है बीटी, जो हमारी कॉटन की, वो पूरी खराब हो रही है। तो हमारे पास जो ये वॉर्म्स है, इनको दूर रखने के लिए हमें इंसेक्टिसाइड बहुत यूज करने पड़ते हैं, हमारे पास कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी प्लांट में ही अपना डीएनए डाल, उसका जीन डाल दिया, जिसकी वजह से वो इटसेल्फ वो क्या हो गया कि बेसिकली दे आर रेजिस्टेंट टू द इंसेक्टिसाइड्स। अब बेटा इससे क्या हुआ, इंक्रीज यील्ड ऑफ कॉटन ड्यू टू द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ थ्री टाइप ऑफ बॉल वॉर्म्स, ठीक है। इंसेक्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरीज आर सेंसिटिव टू द क्रिस्टलाइन एंडोटॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द बीटी जीन, which in turn protect the cotton from the bollworm। अब ये BT cotton की जब कोई प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो हमारे कॉटन की प्रोडक्शन भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ताकि और ये जो हमारे इंसेक्ट है ये, क्योंकि ये दे आर हाई सेंसिटिव टूवर्ड द क्रिस्टलाइन एंडोटॉक्सिन प्रोटीन। अब बेटा क्या है, BT modified crops are created in environmental state, they
द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बीटी हैव नो इल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंटल रिपोर्टेड, उसका कोई एनवायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं है. द टॉक्सिसिटी ऑफ ईच बीटी टाइप इज लिमिटेड टू वन और टू इंसेक्ट ऑर्डर. बेटा इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो एक दो इंसेक्ट ऑर्डर पे क्या है आपके स्पेसिफिक है. इट इज नॉट टॉक्सिक टू वर्टिब्रेट्स एंड मेनी बेनिफिशियल आर्थ्रोपोड्स बिकॉज बीटी वर्क्स बाय बाइंडिंग टू द एप्रोप्रिएट रिसेप्टर ऑन सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल. एनी ऑर्गेनिज्म दैट लैक द एप्रोप्रिएट रिसेप्टर इन गट कैनॉट बी अफेक्टेड बाय बीटी. तो बता ये काम कैसे करता है कि जैसे आपको बताइए जो हमारा डोमेन है वो आपके मैन जो मट गट जो मिट गट के जो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. अगर जिस ऑर्गेनिज्म में ये रिसेप्टर नहीं होंगे तो वहाँ पर आपके बीटी वाला जो आपका सिस्टम ये वर्क नहीं करेगा. अब इससे एनवायरमेंट भी क्या होगा आपका सेफ रहा. बीटी क्वेश्चन इको फ्रेंडली डज नॉट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द पैरासाइट रिलेटेड बेनिफिशियल इंसेक्टिसाइड एंड ऑर्गेनिज्म इन द सोइल. इट प्रमोट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट एंड प्रेडेटर्स. बेटा ये सिर्फ बॉल वॉर्म के साथ ही है उसकी उसी को देखते हुए ये बनाया गया है और बाकी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो हमारा इकोसिस्टम क्या है इसके साथ सेफ है. विद दिस वी कम टू एन एंड द टॉपिक ऑफ बीटी कॉटन. तो बेटा डाउट हो किसी को दे कैन कॉल और मैसेज.